Thank you.
Thank you.
यू सो मच. सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार. मेला का सभी कमेटी मेंबर का और सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इस भव्य प्रोग्राम में मुझे यहां पे उपस्थित रहेंगे, मुझे जो मेरा परफॉर्मेंस पेश करने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. और यहां से बड़े बड़े दिग्गज आए, अपनी स्पीच दिया, मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला. और मुझे यहाँ पे बुलाने का कोई वो मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊं और डांस करूं और आप लोग मेरा डांस देखे तालियां बजाएं, लेकिन मुझे यहाँ पे लाने का एक ही मतलब था कि मैं मेरे जरिए आप लोगों तक मेरा जो संदेश है वो मैं पहुंचाना चाहता था. मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग मानते हो कि मैं डिसेबल हूं? क्या आप लोग मानते हो कि मैं विकलांग हूं? तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मैंने अपने आप को कभी विकलांग नहीं माना. लोग कहते हैं कि मैं डिसेबल हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंशिएबल. लोग ये भी कहते हैं कि विकलांगता एक अभिशाप है, बट मैं ये मानता हूं कि विकलांगता ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. अगर भगवान हमारे से एक चीज ले लेता है, लेकिन इनके सामने हमें चार गुना शक्ति दे देता है. जब मैं डांस सीखने की शुरुआत की थी तो तब मेरे कलीग्स लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे कि तेरे पैर नहीं है तू कैसे डांस कर पाएगा, लेकिन मैं उन लोगों को एक ही रिप्लाई देता था कि मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा मेरा आत्मविश्वास है. दोस्तों, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस हो, वो विल पावर हो, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस तक पहुंचने में बीच में रुकावट ला सके. बस इसके लिए अपने आप में आत्मविश्वास, एक विल पावर, एक हौसला होना चाहिए. जब मैं, शायद इनमें से कई लोगों ने मुझे डांस इन डांस के मंच पे देखा होगा, जब मैं डांस इन डांस में ग्रैंड फिनाले में जब फाइनलिस्ट था, तब जब मैं ऑडिशन देने गया था, वो भी मुझे बोलते थे कि तेरे पैर नहीं है तो कैसे डांस कर पाएगा. अगर मैं डांस की फील्ड में अगर मैं सक्सेस बनाऊं, अगर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, तो मैंने मेरी जिंदगी का एक ही सक्सेस मंत्र बनाया था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. मैं जब डांस सीखने की शुरुआत की थी, मेरी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आया था. उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ठीक नहीं थी कि मुझे कहीं बड़े अस्पताल में लेके जाए, मुझे भर्ती करवाए, मेरी ट्रीटमेंट करवाए. मैं बड़ौदा से 15 किलोमीटर की दूरी पे पादरा शहर, एक छोटा सा गांव है, मैं वहां पे रहता था. और मैं वहां से ट्राइसाइकिल लेके मैं 15 किलोमीटर की जर्नी करके मैं डांस क्लास में जाता था. कई कई बार मैं डांस करते करते गिर भी गया था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था. बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारे स्ट्रगल मैंने लाइफ में किए, कई बार हिम्मत भी हारता गया, लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीख लिया था, ट्राई 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 एंड देन यू गेट सक्सेस. आपने मेरे थाली वाले डांस में देखा होगा कि मेरे हाथ से एक बार थाली गिरी, दो बार गिरी, लेकिन फाइनली मैंने ठान लिया था कि मैं थाली लेके ही रहूंगा. तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से अगर हम लोग भागते रहेंगे तो हम लोग जिंदगी में सक्सेस तक पहुंच नहीं पाएंगे. तो मेरा आज के दिन में आप लोगों को यही संदेश था स्टूडेंट्स लोगों को कि आप लोग जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारें. भगवान ने भी आप लोगों ने ऐसे कोई ना कोई शक्ति दी है. भगवान ने आप लोगों को दो पैर, दो हाथ, सब कुछ सही सलामत दिया है. अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते. और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं सलाम करता हूं और मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हौसलों से उड़ान होती है. हम सब लोग मिलते बोले भारत माता की, और थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए, बोले भारत माता की, भारत माता की. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे प्यार
और ताली बजाने के लिए आशीर्वाद दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।